तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम आपको तमाम सारी जानकारी देने वाले हैं इलेक्ट्रिक रिक्शाज के बारे में, जहां पर हमारे पास में पैसेंजर ई रिक्शा भी हैं, साथ ही हम बात करेंगे लोडिंग ई रिक्शा के बारे में भी। तो दोस्तों यात्री कंपनी के नाम से जो है ये आते हैं, मतलब कि यात्री के नाम से ये जो है ई रिक्शा आते हैं, काफ़ी शानदार और मजबूत चेसिस फ्रेम के ऊपर, साथ ही इनकी बॉडी को भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इनके टॉप की बात करें तो टॉप भी आपको यहाँ पर जो है सीट पेडल का देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोडिंग रिक्शा के बारे में। तो आप देखेंगे कि लोडिंग रिक्शा के अंदर आपको पीछे की साइड में एक स्पान मिलता है, जिसके अंदर आप जो है कार्गो यानी कि सामान वगैरह लोड कर सकते हैं। इसके अंदर अब मैं लोडिंग की अगर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है 500 kg तक का लोड ले जाने की क्षमता इसके साथ में मिलती है। आप जो है इसके अंदर 500 kg तक का ऑफिशियल पे लोड लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 600-650 भी लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो है आसानी से चल पाएगा, यानी कि काफ़ी बेहतरीन कार्गो बॉडी के साथ में है ये यात्री कंपनी का लोडिंग रिक्शा, जो कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी डेप्थ में है, जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल जो है पानी की बॉटल ले जाने के लिए, या वेजिटेबल है, या क्रॉकरी का सामान है, या पेपर वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और भी आप कई सारे कामों के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको डिलीवर करना है इधर से उधर, तो उनके लिए भी आप जो है इनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीछे की साइड में आपको मिलता है इसका कार्गो बॉक्स, और यहाँ पर ये मिलता है आगे की साइड में पूरा ड्राइवर का केबिन, यानी कि गाड़ी चलाने के लिए जो कंपार्टमेंट है ड्राइवर का, वो आपको ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो है सेम देखने के लिए मिलेगा। पीछे की साइड में बैठने की व्यवस्था और लोडिंग यानी कि सामान रखने की जो व्यवस्था है, उसका ही अंतर आपको मेनली देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट दिखाऊं तो आप देखेंगे ड्राइवर की सीट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़ी आपको ड्राइवर की सीट यहाँ पर मिल जाती है, बैक सपोर्ट भी मिलेगा, और ये जो है यहाँ पर सेपरेशन डाला है पीछे की साइड में, जिससे कि आप यहाँ पर पीछे निगाह भी रख सकते हैं, और ये आपकी जो है यहाँ पर सेफ्टी को भी एनहेंस करता है। म्यूजिक सिस्टम आपको दिया गया है, रेडियो FM वगैरह है, जिसके अंदर आप यहाँ पर 2 स्पीकर पाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं, और ये आपको यहाँ पर शो मान लीजिए या इसकी बनावट मान लीजिए, काफ़ी मजबूत जो है आपको इसकी फ्रेमिंग देखने के लिए मिलती है। और आगे की साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत इसके अंदर ये ग्लास दिया है, विंड ग्लास, विंडशील्ड, जिससे कि आप धूप वगैरह से बचते हैं, बारिश वगैरह के मौसम में भी ये आपकी रक्षा करता है, साथ ही धूल मिट्टी से भी आपका बचाव करता है। 2 ORVM मिलेंगे पीछे की साइड में देखने के लिए, और यहाँ पर ये जो है आपको इतना खासा स्पेस जो है मिल जाता है पैर वगैरह रखने के लिए, यानी कि आपको लेग स्पेस वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है, हालांकि इन ई रिक्शा को आप जो है लेड एसिड बैटरी के साथ में भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ई रिक्शा है हमारे पास में, ये है सिंगल बैटरी के साथ में आने वाला, लिथियम आयन आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको ये हैंडल बार है, काफ़ी स्टाइलिश हैंडल बार आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपकी बैटरी का कितना चार्ज है, कितना लेवल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती रहती हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर भी इसके अंदर बैटरी का मीटर है, और यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर वगैरह शो हो रहा है, ये बैटरी का लेवल बता रहा है ना। ये चीज़ें आपको मिलती हैं इसके अंदर, हॉर्न है, ये लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, इस साइड में आपको रिवर्स और फ्रंट, जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर बजर साउंड भी सुनाई देगा। अगर मैं आगे से इसकी लाइट वगैरह आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दोस्तों लाइट काफ़ी अच्छी हैं, और हेडलाइट भी आपको यहाँ पर काफ़ी पावरफुल मिलती है इसके अंदर, हैलोजन बेस्ड आपको इसके अंदर लाइट दी गई है, ये काफ़ी बड़ी है, जो कि नाइट के समय में अच्छी तरह से जो है आपको रोड पर दिखाने का काम करेगी। तो दोस्तों इस तरह का है ये हमारा लोडिंग रिक्शा, आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा व्यू। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 2,20,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है, आप इनको इजी फाइनेंस स्कीम के साथ में भी परचेज कर सकते हैं। आगे की साइड में आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सभी के अंदर आपको ओवरऑल देखा जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही दिए गए हैं, और 12 इंची के टायर आपको मिलते हैं काफ़ी स्टाइलिश व्हील कवर के साथ में, जिससे कि हमारा ई रिक्शा काफ़ी सुंदर हमें दिखाई देता है। इसके अगर मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाऊं दोस्तों, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसके अंदर बैटरी का जो है टाइप है वो है ईस्टमैन बैटरी इसके अंदर लगाई गई है, 130 से लेकर के 140 AH की बैटरी है, और मोटर इसके अंदर BLDC, 500 kg इसका लोडिंग है, और डिजिटल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डायमेंशन आप देख लीजिएगा 2780x980x1740 mm, और सीएट के टायर हैं TVS रॉयलसन, टायर साइज आपको बताई दिया है, ड्रम टाइप के आपको इसके अंदर जो है ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, और ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका 742 kg के आसपास का। तो दोस्तों इस तरह के ई रिक्शाज को आप खरीदने के लिए
हवा बंगला के पास में इनका शोरूम है, ई सवारी के नाम से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हों तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएंट के बारे में, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं यात्री कंपनी का। ये भी आपको एक बेहतरीन ई रिक्शा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है ड्राइवर के साथ साथ यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है इसके अंदर सेफ्टी के लिए। इस तरह की जो है आपको यहाँ पर सीटिंग मिलेगी देखने के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको चार बैटरी मिलती है इसके अंदर, 140 AH की बैटरी मिलेंगी। ये आपके हैंडल वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस है यहाँ पर। अभी आप देखते हैं काफ़ी स्टाइलिश इसको खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है, हैंडल वगैरह हैं। और मैं आपको इसका अगर पीछे से दिखाऊं तो आप देखेंगे अभी पैक्ड है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको पीछे की साइड में इसका स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर हम ड्राइवर के कंट्रोल्स की बातें करें तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी देखने के लिए। आपको इस तरह से इसका स्पीडोमीटर ऑन करना है डिस्प्ले, यहाँ पर आपको ब्लू कलर के अंदर यहाँ पर तमाम सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं। इसके जो बटन वगैरह हैं वो काफ़ी थोड़े से खूबसूरत बनाए हैं, क्योंकि ये पैसेंजर के लिए यूज होने वाला है, तो पैसेंजर्स को भी अच्छा लगना चाहिए गाड़ी चलाने के दौरान। तो आपको स्टाइलिश इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसकी अगर कीमतों की बात करें दोस्तों तो 1,70,000 रुपये के आसपास की कीमत में आप इसके इस वेरियंट को खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको चार बैटरी मिल रही हैं, लेड एसिड बैटरी हैं ये। बाकी अगर हम इन दोनों की बात करें तो 2,20,000 रुपये के ऑन रोड कीमतों के अंदर आप लिथियम आयन बैटरी के साथ में आने वाले इन ई रिक्शाज को परचेज कर सकते हैं। 50,000 रुपये के आसपास का अगर आपके पास में डाउन पेमेंट है तो आप इनको इजी फाइनेंस के ऊपर भी परचेज करके अपने घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यात्री की ब्रांडिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है चलाने के लिए, और यहाँ पर आपको इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती हैं। काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले के अंदर आपको स्पीडोमीटर है, बैटरी का लेवल है, चार्ज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती रहती हैं गाड़ी चलाने के दौरान। काफ़ी स्टाइलिश इसका हैंडल बार है, और ये आपको कुछ इस तरह की चाबियाँ मिलती हैं इसके साथ में, काफ़ी खूबसूरत दो चाबियाँ आपको मिलती हैं यहाँ पर। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों पीछे की साइड में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों 2,20,000 रुपये के आसपास की कीमतों में आप इनको परचेज कर सकते हैं, और लिथियम आयन बैटरी के साथ में ये आएंगे यहाँ पर। और इस वीडियो को अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं और चाहते हैं इन गाड़ियों को ख़रीदना, तो आप ई सवारी के शोरूम पर संपर्क करें, जो कि फूटीकोटी हवा बंगला रोड पर इनका शोरूम स्थित है। इसकी अगर मैं आपको डिटेलिंग बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मोटर, इसके अंदर BLDC लगाई गई है, 1000 वाट की मोटर है। अगर दोस्तों मैं इनके एवरेज की बात करूँ, रनिंग रेंज की बात करूँ, तो आप इनको 4 से 5 घंटे के अंदर जो है चार्ज कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं, अपने घर के अंदर जो सॉकेट है वहाँ पर लगा करके इनको चार्ज करना है, और आप इनको 90 से लेकर 100 किलोमीटर तक 1 दिन के अंदर चला सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।